बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम अलैकुम। आपका होस्ट सुल्तान अमन फ्रॉम वॉइस ऑफ विलेजेस आपसे मुखातब है। आज हम शेयर करते हैं कुरान मजीद की सूरह ताहा के आयत नंबर 25-30। पहले तर्जमा 25 का, मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। 26, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे। 27, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। 29, मेरे कुनबे में से एक वज़ीर बना दे। 30, यानी मेरे भाई हारून को। तफसीर ऐसे है, जब अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के पास जाने का हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को, तो आपके ज़हन में कुछ ख़दशात थे। एक तो ये कि वो बड़ा जाबर और मतकब्बर बादशाह था, दूसरा ये कि मूसा के हाथों उसकी कौम का एक आदमी मारा गया था, और तीसरी बात जो बड़ी अहम थी वो ज़बान में लुकनत थी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि मेरा सीना खोल दे ताकि मैं रसालत का बोझ उठा सकूं, और मेरी ज़बान खोल दे ताकि मैं पूरी वजाहत से तेरा पैगाम पहुंचा सकूं, और ज़रूरत पेश आए तो दफ़ा कर सकूं, और हारून को मेरा मशीर मुकर्रर कर दे। इस तरह हम तबलीग और रसालत के साथ साथ तेरी तस्बीह और तेरा ज़िक्र भी बुलंद रख सकें। ऐ अल्लाह, तुझे मेरे हालात का इल्म है और मुझे अपने एहसानात से महरूम ना करना और मेरी मदद फरमा। अल्लाह आपको हमें नासर।